खा गई है। आपके पास कोई नहीं आए, देखो ये लटक रहे, ठूस थोड़े से झड़का दो। और थोड़ा गोल कर दिया, बड़ा कर दिया, खराब हो जाएगा। मैंने बना के तैयार की छोटी सी मटकी प्यारी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज जा रहे हैं हम लोहागढ़। बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की क्लासें हैं, इसलिए तो ये और मैं ही निकले हैं बस। तो अभी घर से निकले हैं, CNG भरवाई है और चलते हैं लोहागढ़। तो भाई रास्ते में इतना भारी जाम हो रखा है, जाते हो रही है हालत हो रही है ख़राब। बहुत ही बुरा जाम है, पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, इतनी गर्दी हो रही है। ये देखो जाम दिखाती है कितना बुरी हालत हो रही है, शुरू ही हुई है खंड क्योंकि इसमें धीरे 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 गाड़ी चल रही है। तो भाई लोहागढ़ आने वाला है, मम्मी को दो बार हो चुकी है उल्टियाँ, कम से कम अब 16 मिनट रहे हैं पहुँचने के। और मेरी आवाज़ भी देख लो चेंज हो चुकी है, उल्टी कर देती है ना, इतनी गर्मी है और इतना पोल्यूशन। ये देखो खेत पे बुआई चल रही है सब्जी, ये देखो खेत मस्त लगता है, मन करता है ऐसी जगह पे ना कमरा लेके रह लो। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे हो रखे हैं, मस्त लग रहे हैं एकदम, अच्छा है। गांव में आते ही ना अलग फीलिंग आने लगती है ना, ही है ना। वो तो कटाई कर के सब ये कटाई कर गेहूँ रख रखा है शायद, सारी जुट्टियाँ बना के। और यहाँ पे बुआई चल रही है, अब मैं कल धान बोएगा शायद जहाँ तक। और ये सारा गेहूँ है, ये सारा अब इनको निकाला जाएगा क्या, गड्ढे बना के रख रखा है भाई। दोनों तरफ खेत है, सच्ची मन करता निकल के ना यहीं बैठ जाओ, पर इतनी तगड़ी धूप है ना, टाट सिक जाएगी सर की सारी। अरे ये फुहारे कितने पानी देने का पौधों में, ये घास ही तो पता नहीं खेत है घास है क्या है। ये टू व्हीलर से दे रहे हैं पानी। इधर नर्सरी भी है, लोहागढ़ आने वाला है, आ गया क्या? लोहागढ़ आने का 2 मिनट ही रह रहे हैं, 2-4-5 मिनट में पहुँच जाएंगे लोहागढ़। और ये लगा रखे फलों के लोग, ये देखो फल ही फल बिक रहे हैं, ये अखे हैं तो क्या फल होंगे। अरे भैया आम भी आ गया, आम लेके चलेंगे, इस सीजन का पहला आम खाएंगे, इसे आम लेके जाएंगे, देखते किस भाव होगा भाई। आम तो आ गया, मैं गर्मियों के पहले आम देखे हैं। रास्ता बढ़िया, अब अच्छा लग रहा है, अब ना थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया ना तो अब सही भी लग रहा है। पहले तो बहुत बुरी हालत हो, फिर रास्ते हालत ख़राब हो गई मेरी। लोहागढ़ अभी बोर्ड भी लगा गया है पीछे, अरे सर लोहागढ़ पहुँचने वाले 10 मिनट में। ये खेतों को देख देख के ना बड़ा मन खुश हो रहा था, यहाँ पे अलग ही ठंडक हो रही है जब से गाड़ी ना भपक रही थी, और अब गाड़ी बिल्कुल ठंडक दे रही है सच में। ट्रैक्टर चल रहे हैं गांव में ट्रैक्टर चल रहा है, ये खेत में गेहूं बो रहा है, कटाई चल रहा है। बेचारे धूप में इतनी रहते हैं, हमें ऐसी चाहिए। और बेचारे खेत में खेती वगैरह करते हैं, ये ऐसे एक कमरे में चारों तरफ से कितनी डू वगैरह लगते होगी, ये लोग यहाँ रहते हैं। ये कंडे यहाँ भी मिल रहे हैं, मथुरा गए मथुरा भी कंडे मिल रहे हैं, यहाँ भी कंडे मिल रहे हैं। कूड़ा देखो कितनी बुरी तरह मचा रखा है, इधर मार्केट घर बने हुए हैं, इधर घोड़ा मचा हुआ है, उधर पहाड़ भी है। जब से नहीं दिखा बताओ कहाँ से पहाड़ आ गए हैं हमें। हुक्का पी रहे थे लोग पेड़ों के नीचे, हुक्का लेने के। तो आ गया रंग बरसे लोहागढ़, रंग बरसे लोहागढ़। गोबर ही गोबर पड़ा हुआ जगह जगह, ये पतली गलियों में से निकल के लोहागढ़ जाएंगे और ये पहाड़ हमारे साथ चल रहा है,
ये पहाड़ कहाँ से आ गया हरियाणा में? हरियाणा में कब से पहाड़ होने लगे? ये बात ना पल्ले पड़ी मेरे, पहाड़ हमारे साथ चला, जहाँ हम जाते हैं वहीं ये पहाड़ चलता है। पत्ते देखो कैसे रोड गिरा रहे हैं भैया, ग्रीन ग्रीन फूल 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 मस्त एकदम। गांव में घुसते ही सुकून आ जाता है, पूरे रास्ते इतने परेशान हो गए लेकिन गांव में घुसते ही तभी थोड़ी हरी भरी सी हुई है। या तो खुशबू भी अच्छी आ रही है, पेड़ पौधे तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। भैया आ गए हम लोहागढ़ की गलियन में, यहाँ कंडे घूम रहे, यहीं से ले लेंगे थोड़े से कंडे नोड़तों के लिए। ये बुआई हो रखी है, ये कटाई हो भी चुकी है, बुआई खुदाई करी है, कटाई बुआई के लिए शायद खुदाई बुआ। मैं तो इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में पता भी नहीं है। लोहागढ़ का बोर्ड लगा आ रहा है और कह रहे क्या है ये, कहाँ पे है लोहागढ़, सामने तो पहाड़ नजर आ रहा है और सामने हाथी भी खड़ा कर रखा नकली वाला। ये देखो लोहागढ़ का बोर्ड। तो भैया लोहागढ़ हो चुकी हमारी एंट्री, साथ में बगल में झोपड़ी नजर आई है। ये ड्राइवर भैयों के आराम करने की जगह है। भैया कहाँ अंदर जंगल में आके बना रखा है लोहागढ़। ये लोहागढ़ भाई, चलो उतरते हैं अब गाड़ी से, लोहागढ़ तो आई क्या, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो मुझे तक लगता है यहाँ पे छाँव में जाके लगाना। तो भैया यहाँ कर दी हमने गाड़ी खड़ी अपनी और वो रहा सामने लोहागढ़। सही ढुक जाओ। तो भैया ये देखो मस्त गाड़ी खड़ी है लोहागढ़ के आगे, ये बनावटी है ऐसी है, खींच दो। गाड़ी के अंदर बैठ जाऊँ? अंदर बैठ जाऊँ? ये बाहर खड़ी सीट पर। तो भाई मेरी यहाँ पे खींच रही है फोटो, खुलने का नहीं है ऐसे को बैठ नहीं सकते, आओ उधर से खुल सक। अरे एक खींच दो। तो भाई पहले यहाँ पे तोप वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये देख लो लोहागढ़। थोड़ी सी बाहर फोटो शूट करा था हमने, अब चल रहे हैं अंदर। तो अंदर सबसे पहले ये चीज़ मैं थोड़ा सा पहले कमरा सा बना था वहाँ पर अंधेरा था और अब ये दो मूर्ति है, ये सारे एक रूम बना हुआ है जिसमें ये ग्रामीण महिला खड़ी है, किसान खड़ा हुआ है, जमींदार है, क्या है मुझे तो पता नहीं। और एक ये रखी है ओखली, मतलब जो गाँव की चीज़ें होती ना वो सारी यहाँ पाएंगे आप लोगों को। तो मैंने तो थोड़ी बहुत फोटो भी खिंचवाई थी मेरे से ओखली में पीसते हुए, तो ड्राई भी कर लिया कैसे बहुत हल्की होती है, तो मसाले कैसे बताऊँ तो ऐसे कोई पीता नहीं है लेकिन फिर भी इसमें से हुक्के ऐसे मैं ला रही थी। और उस इस रूम से निकल के हम जाएंगे बाहर, तो बाहर ये तरह तरह की गाड़ियाँ खड़ी हुई, कहीं स्कूटी कहीं स्कूटर बाइक बच्चों की गाड़ियाँ, तो सब यहाँ पे खिंचवा रहे थे फोटो। ये सब तरह की पता नहीं कितनी प्रकार की तो गाड़ियाँ हैं, देखो ना इकट्ठी होकर तब पता लगता है कितनी गाड़ियाँ हैं। तो ये सारी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे ये हमने फोटो भी खिंचवाई। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमारी फोटो खींची, बच्चे तो थे नहीं, बच्चे भी ना तो अजीब सा लग ही रहा था थोड़ा सा, और यहाँ पे खींची इन लोगों ने फोटो हमारी, इनसे खिंचवाई थी फिर हमने, कोई नहीं दिखा। तो
ये मैं आगे बैठ गई और पीछे बैठ गया, वैसे हमेशा तो ही होता ना, ये आगे बैठे होते मैं पीछे बैठे, आज उल्टा हो गया है। बंद गाड़ी का फायदा उठाया मैंने। और जिन्होंने फोटो खींची थी वो लोग बड़े बड़े बैडमिंटन ले लेके फोटो खिंचवा रहे थे। ये देखो कितने बड़े बड़े बैडमिंटन है, एक इंसान जितने थे बैडमिंटन है। जब भी बंधा है हमारे सब दोनों के बैंड, तो ये देखिए ये बैंड है। ये बैंड को बंधवाने के बाद आप सारी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब पता लग जाता है इससे कि आपने टिकट ली है। इससे कोई भी आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, आपको जो भी काम करना हो, खाना हो या कोई एक्टिविटी वगैरह करना, तो कोई इससे मना नहीं करेगा। तो ये चल दिए हैं हम आगे। यहाँ सारी कुआं वगैरह बना हुआ था और ये बनी है लस्सी, जहाँ पर हमने लस्सी पी है और क्या कहते हैं वो पी थी, मतलब छाछ थी, मीठी भी थी नमकीन भी थी। तो यहाँ पे ऐसे से बना रखा था ये, और खाना तो सारा A1 था यहाँ पे। और ये दीवारों पे लिखे हुए हैं ऊंच की पीठ, ऊंची पूंछ, ऊंची नीची ऊंची, ये सब लिखा हुआ है। कई चीज लिखी हुई थी, अच्छा अच्छा लिखा हुआ था, पढ़ने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बगल में खड़ी हुई है गाड़ी, तो यहाँ पे सारी गाड़ियों में बैठ बैठ के देख लेते हैं गांव की गाड़ियाँ कैसे कैसे होते, सबका अनुभव ले लिया है मैंने सभी गाड़ियों पर बैठ बैठ के। कई गाड़ियों में बैठ बैठ के देखा था, मुझे लगता है जो गाँव में चलती होंगी ना चीज़ें गाड़ियाँ वगैरह वो होंगी, शहरों में तो खैर देखने को नहीं मिलती यहाँ पे ऐसी। लस्सी पीने के बाद आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए, और यहाँ पे है चक्की, बाजरा पिसता हुआ, आटा गेहूँ पिसता हुआ, ये लस्सी पीसते हुए। तो मैंने तो थोड़ी बहुत यहाँ फ़ोटो भी खिंचवाई थी, ये सब बच्चे ट्राई कर रहे देख रहे थे। वैसे शहर में तो देखो ये चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन अगर यहाँ आओ तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा गाँव का अनुभव सा हो जाता है, लगता है कि हाँ गाँव की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये देखो मैंने तो लहंगा और चुन्नी डाल ही लिया उनका। और यहाँ पे जो मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैं उनसे कह रही हूँ लो मक्खन खा रही हूँ गर्म गर्म, ताज़ा ताज़ा मक्खन खा लो, पूरी फीलिंग ली है मैंने। और फिर चक्की चला रहे हैं, तो मैंने कहा बता दो कितना किलो घर पर बाजरा पीस के लेके जाना है, 2 किलो ले चलो पीस के। तो यहाँ पर मैंने तो भैया मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, अच्छा लग रहा था। और देखो बिल्कुल लग रही हूँ गाँव की, जैसे गाँव की गुजरी आ गई हो। और वहाँ से निकले आए वापस बाहर, और बाहर बना हुआ है उसी के बिल्कुल ये झूले डले हुए हैं, ये खाट की तरह चौकोर चौकोर खटोले में, जैसे झूले डले होते हैं वो डले हुए खटोलों में। और यहाँ पे मैंने झूला झूला है, और फिर यहाँ पे खाटें बिछी हुई नीम के पेड़ के नीचे। तो भाई अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, नाश्ते में देखते हैं क्या है। जो जो को खोजो खोजो जो जो को, जो जो को ना खोजो तो खो जाए जो जो। ये बर्मा भी निकाल रखा है, देखते से पानी आ रहा है नहीं आ रहा। पानी नहीं, मैं सब चीज़ चला के देख लूँ गांव में, यहाँ पे सब चीज़ चला के देख ली जाए। ये तो घूम ही ना रहा, तो पानी नहीं आएगा इसमें, ये पानी का नहीं है। कूलर भी लगा रखे हैं, मुझे बिछा रखे हैं। ये
देखते हैं रास्ते में क्या है। अचार है, नमक है, क्या है, आलू की सब्जी है। तो भैया यहाँ टेंट की छाँव में ये डली हुई में टेबल और यहाँ मिट्टू पे खाएंगे बैठे। तो भैया यहाँ पे आलू की सब्जी, सूजी का हलवा, लस्सी और पराठा और पूरे भी बन के आ रही हैं गरम गरम। यह है नाश्ता और इसको खाते हैं हम इस तरह मुँह में। नाश्ता ये नाश्ता है उसे, पूरी भी गरम आने वाली है, एक पूरी खाएंगे। तो भैया यहाँ पे मिल रहा है चाय, पकोड़ा, जलेबी, रबड़ी, गर्मा गर्म दूध, रबड़ी जलेबी ले लो। तो भाई जलेबी हमने ले ली है, अब ले रहे हैं रबड़ी। बस 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 तो भाई यहाँ पे ले रहे हैं जलेबी का, रबड़ी जलेबी का स्वाद। जलेबी मैं तो पहली बार खाई है। नहीं नहीं नहीं, अरे अपने ही मानेगी, अभी उल्टा कर दी। अच्छा उल्टा और क्या, अभी अपने तो हां अम्मा इस हाथ से। नहीं नहीं नहीं, मेरे तो एक तीर का निशान लगा, बाकी चिकन लगा, फुटबॉल का भी नहीं लगा, गुलेल का भी नहीं लगा, बस तीर का लगा। मतलब मैं तीर के उसमें फिर भी माहिर हूँ। आज चलो खाट पे बैठेंगे, खटिया पे आराम फरमाए, फिर तीर जाना है मेरा तो, फिर तीर मारने हैं सब। हमारा लगा नहीं है ना तीर, अब लगाएंगे। तुमसे ना हो पाएगा तुमसे ना हो पाएगा अब स्वयं पर रचवाना पड़ेगा। मशीन जो खेतों में चलती है, जो पक्षी पालन बना रखा है। और ऊंट भैया, तो ऊंट है, एक ने लात मार दी ना तो छल के गिरूंगी। लात लात उठी उसकी, लात लात उठी। अरे खींच दो जल्दी फोटो, फोटो का ना है। ये भेड़ बकरी है पाल रखी है, वो कट्टी है, ऊंट की सवारी कराते हैं। देखो ये रखा हुआ, रखा हुआ है भैया। तो कई प्रकार की जातियां हो गई यहाँ पे देखेंगे। कबूतर, ये कितना मोटा फूला हुआ है ये वाला। चिकन है, चिकन के साथ ये डक है, डक डक है ना, डक। एक वो बेबी भी है, छोटा सा बोरा डक का बेबी दिख रहा है, स्मेल भी आ रही है। खरगोश का बच्चा भी है, गोदी में लो ना, खरगोश का बच्चा भी है। नहीं भैया मैं नहीं उठा रही, मोरे घुसे बैठे छोटा सा बेबी, हम बिलो बस घुसे बैठे हुए। और इधर तो बिल्ली उधर भी है, ये नीचे नीचे इन्होंने बिल बना रखे हैं, आर पार हो जाते हैं। लड्डू जैसा है वो, तो लड्डू खाए देख, लड्डू तेरे जैसा, ये काट भी लेंगे और क्या, ऐसे कर लेते हैं।
ओ बेचारा इनका खर्चा बहुत कम है साग सब्जी में का। मैंने रखे थे दो जोड़ी खरगोश के बच्चे थे, मेल और फीमेल थी, दोनों रखे थे। जितना दे दो उतना ही कम है, जितना दे दो उतना ही कम है। नहीं लेकिन फिर भी साग सब्जी में मर जाते हैं बेचारे। एक ऊंट पालू, ऊंट यहाँ पे है सारे पशु पक्षी। उधर है ऊंट, अरे ये वो है जो रस्सी पे चलते हैं, इस पे अभी वो मेहल वही भैया चलते होंगे नगाड़ा वगैरह बजाने वाले। और ये आ गए हॉन्टेड हाउस भी है यहाँ पे, तो कई चीज़ें हैं यहाँ पे। तो गेम का है, गेम खेलना है, ये सारे गेम ही तो हैं। हाँ चलो ये भी गेम है चलने का, आओ इस पे चलते हैं, इस पे आ जाओ। चप्पल पहन के नहीं, अरे चप्पल पहनो ना, नहीं ना वो सही है। गरम बहुत है भाई। एक ही है गांव में भाई, इसमें से निकलेंगे। ये बच्चों के खेलने की जगह थी, बच्चे मौज करते हैं। कितना सर्च नंबर कर रहे हैं अभी चेक करना। चलो हाँ चप्पल पहन के चलो। नहीं ना चढ़ो जल्दी, चढ़ गए। अरे हाथ आराम से निकल जाओगे अब, अरे चढ़ो ना, नहीं हाथ तक तो पहुँचो, आराम से उतर जाओगे। चप्पल ही पहन के चलो। वही मेरे तो घूमने होने लगा सर में, सर की नशे लुक 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 कर रहे हैं। आओ तो ठंडों में आओ, वैसे आओ मत ना। और यहाँ पे फरमाया जा रहा है खाट पर आराम, और यहाँ पे सारे गेम है बच्चों को लाने का, अच्छा है। चलिए ये देखो सब तरह के गेम है यहाँ पे, बच्चों को जैसे मर्जी घुमाओ, बच्चों के खेलने के लिए पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। अच्छी जगह बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। बड़े भी कहाँ इतनी, बड़े भी आके थोड़ा बच्चे बन जाते हैं यहाँ पे। अरे ऐसे चलो ऐसे चलो, नहीं ऊंचाई पे डर लगना ना, और कुछ नहीं। तुम भी तो ऊंचाई के थे। हाँ तो तब हमें तो शिक्षा दे, मुझे ऊंचाई से पता नहीं क्यों डर लगता है। तुम शिक्षा दे रहे थे मतलब, ऐसे नहीं ऐसे डर, ऊंचाई और घर पाल से डर लगता है। कुछ भी ऊंचा नहीं है, कोई ऊंचाई। हाँ मुझे ऊंचा, मेरे सर के नजर। तो भाई मैं तो यहाँ पे खाट पर पसर गई, घर आराम थक गई, थोड़ी मन कर रहा ठंडी ठंडी एकदम ठंडी लस्सी या ठंडा पानी मिल जाए बस। थोड़ा सर्दियों में आना चाहिए, इतनी गर्मी में बेकार है ना। मैं ना कर रही हूँ इस पे, तो वो कर तो लिया वो, और ये इसमें अंतर क्या है? वो ऊंचाई पे था तो मैंने कर लिया, ये ऊंचाई पे है बस, बात तो वही है। उसमें ना वो करो, वो वाला करो, मैं ना कर रही हूँ। अगर तो मजा ही क्या फिर, करो जाओ मैं क्या, तुम लो मजे, आओ मजे ले। तो ऊपर वाला ऊपर ऊपर मुझे कुछ चढ़ा रहा, हर चीज में तू चल, तू चल महारथी। दो टास्क से नीचे चुपचाप उतर गए हैं ये, नहीं दो से तो भाग के आ गए पीछे वापस। अब ये इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के बाद, ये सारी चीज़ें अगर घर पे हो ना तो इंसान का मोटापना बढ़े, ये बात तो पक्की है भाई। आर्मी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा अगर में ये सारी चीज़ें हो जाए तो, दसवीं कर और आर्मी भर्ती हो। मैं जा रही इस पे चढ़ने के लिए, देखते हैं। ये तो यहाँ तो बहुत सारे झूले दे रखे हैं, झूले क्या है ट्रेनिंग टाइप के जैसे होते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें रखी हैं चढ़ने फिरने के लिए। एक्टिविटी बहुत सारी एक्टिविटी है यहाँ पे करने के लिए, अच्छा है। लेकिन मैं तो दो तीन पे से वापस आ गई, इस वाले तो कर सकती हूँ। देखो मैं ये तो कम ऊँचा है, हाँ इस वाले पे कर सकती हूँ, कम ऊँचा है, उतना ऊँचा नहीं है। तो भाई यहाँ लग जाइए, हमें प्यास पी लेते हैं पानी। बैठ जाओ, अरे ये तो बड़ा उड़ रहा है, वो पंखे वो देखेंगे।
तो भाई अब तुम्हें दिखाती हूँ हवाई जहाज। यह है लोहागढ़ का हवाई जहाज। ये तो ऊपर लग रही पंखरियाँ, दो सीट हैं, जिसे उड़ना हो यहाँ पे लोहागढ़ में आके उड़ ले। और अब जा रहे हैं हम भूतघर। अरे तो हिला है, बंद करो बंद करो बंद करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसमें कुछ नहीं दिखेगा भाई, अंधेरा अंधेरा है। पर ये छोटे के लिए हिल रहा है, मैं भाग अरे भैया यहाँ तो डर लग रहा है। दो भूत बैठे हुए ये दो बंदे बैठे स्वागत के लिए। वो जो लेटे हुए थे ना उस पे, तो मुझे तो डर लगने लगा। उस पे जो लेटे हुए थे ना बेंच पे, तो मुझे तो डर लगने लगा उनसे देख के ना। मुड़ते लेटे हाँ तो मुड़ते लेटे हो। तो भाई ये थी खतरों की खिलाड़ी जगह, ये सारी यहाँ पे सारे खतरनाक गेम थे। और यह है जोर बांग यहाँ पे। अब देखो अब कहाँ जा रहे हैं ये जगह से। अरे वाह। और ये है स्विमिंग पूल, यहाँ पे सब नहा धो रहे थे पसीने। इतनी गर्मी में पसीने तर हो जाओ और फिर यहाँ आके नहाओ, मतलब इंसान बीमार ना पड़े तो पड़ जाए। लेकिन ये है कि इतनी गर्मी में इंसान को सुकून मिला, लोग तो नहाने भी लग गए थे यहाँ पे। उधर देखो हल्की हल्की बारिश सी हो रखी है, और उसके उधर साइड में ही बना रखा है स्विमिंग पूल लेडीज़ों का। ऐसी सेम स्विमिंग पूल पीछे की साइड है लेडीज़ों का, वहाँ से बना रही और ये सारा। हाँ ये कर सकें करेंगे। तो भी एक ये गेम खेलेंगे हम। और इस बोरे में मुझे इस बोरे को पहन के सिर्फ कूद कूद के वहाँ तक जाना था, लेकिन मैं तो चल चल के भी जा रही थी। मैं तो पूरा मजबूरी रहो चल के भी जा रही हूँ। मटकी में हाथ मार के आओ। चलो अरे कहाँ जा रहे हो? राइट 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 हाँ हाँ और राइट और चलो सीधा। हाँ हाँ मुड़ जा उधर उधर। हाँ सीधा सीधा थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट उल्टा। हाँ बस सीधा यहीं यहीं सीधा 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 लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट उल्टे हाथ पे लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट। हाँ मार दो आपको पट्टी बांधने के बाद वाला गेम खेलने के बाद आ गए यहाँ पे। चार बैठाते थे खेलने के लिए, तो ये भी देखते थे कैसे दिखाएंगे। और दो कोई ध्यान लगाओ कोई नबी इकी है। और ये छड़ी है और ये वाला हाथ खाली बूढ़ा डाउ बिल्कुल खाली कोई नहीं की वो धोखा लग गया। और देखना साहब धोखा ऐसे लग गया, बोल दिया चूर बुछड़ू जब मैंने झोले में हाथ डाल दिया वो धोखा लग गया। झोले में हाथ नीड़ नहीं अभी एक ही बिल्कुल एक कैच करो सब कैच करके देखना साहब कोइन सिंगल है या डबल। सिंगल ही है ऐसा पकड़ेंगे कोइन को तीन बार छड़ी से कोइन को ठोकेंगे एक दो तीन माटी लगाएंगे खींच के दो बनाएंगे दोनों को मिलाएंगे। आ जाओ भैया पंख नहीं गायब दोनों कोइन को मुट्ठी में बंद करना हवा मत निकालना मैजिक होगा ठीक है। मुट्ठी में बंद करो बंद 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 है फूंक लगाना फूंक लगा के कोइन फेंकना खा मत जाना फूंक लगा के फेंको एक वाह कोइन फेंको खा गई 40 रुपए खा गए। आपके पास कोइन नहीं आए देखो ये लटक रहे ठूस थोड़े से झड़का लो तुम लेके जा रहे थे यार। अरे भैया ये गड़बड़ी वाली आदत छोड़ दो देखना सर। तो भाई यहाँ से खेल देखते के साथ ही यहाँ पे आए हैं और ये सारे विश्राम करने की जगह बना रखी है। ये देखो ये खाट डाल के जगह बनी हुई सारी, लेटो बैठो जो मर्जी करो कोई रोक टोक करने वाला नहीं है।
तो भैया यहाँ पे आए हैं खाट पे आराम करने के लिए। तो हम यहाँ पे लेट चुके हैं खाट पे, आराम फरमा रही हूँ बहुत ज़्यादा धूप में। और यहाँ पे जगह जगह ऐसी झोपड़ियाँ बना रखी हैं, ये इस तरह झोपड़ी बना रखी है, एक वही सामने झोपड़ी, एक इधर ये झोपड़ी, इस तरह इनके अंदर खाट बिछी हुई है। और वो जो सामने बड़ा सा देखो ट्रेन, वहाँ पे गेरम वगैरह के लिए के बना रखा है वो कंफ्यूजर। हाँ तो वहीं चलो ना, यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे जब बाहर से हवा आ रही है ना, तो जरा कान में टकरा रही है, यहाँ से टकरा के चलिए चलो ऐसे वाले कान से टकरा रही है। हाँ मैं खेतों में लोग ऐसी खाट भी सोचा के लेट जाता हूँ, छोटी बनाती हूँ नहीं, ठंडी हवा लगती होगी, थक गए हैं अब बहुत ज़्यादा, एक करा एक नहीं नहीं लेना मन कर रहा है। तो भाई अब दोबारा लग चुका है यहाँ पे खाना, तो खाना खाने चलते हैं। तो भी चलो खा लेते हैं खाना। और एक चीज़ और है, नींबू नींबू देखो ऐसा ऐसा लगेगा, कोई डार्क ऑयल नहीं है, कुछ नहीं, सब तो शादी भाव ऐसे खाना तेल का बिल्कुल घर जैसा स्वाद आता खा। नाश्ता भी अच्छा था और खाना भी अच्छा था, सारी चीज़ अच्छी थी, सिकन लस्सी रबड़ी चली, बिल्कुल ऐसा लगता है खाना खाओ कि अपने घर जैसी चीज़ है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद आता है। और जहाँ पे मैंने चूल्हे वगैरह दिखाए थे वहाँ मक्का का साग, चूरमा वगैरह, मक्का का साग क्या चीज़ है और चूरमा वगैरह, चलो चम्मच कहाँ से लूँगी मेरे के लिए, दो गया ना मस्त रख चुकी मैं भी खा ली। यहाँ पे लगा हुआ है खाना, खाना सारा यही है, चाउमीन हो रहे हैं साथ में। तो यहाँ पे लग चुकी खाना, हमारा हो चुका रेडी, लस्सी रसगुल्ले कढ़ी शाही पनीर चावल रोटी। अरे इसमें वो नींबू निचोड़ो पीता है, दान में निचोड़ो। पंखा कहाँ चला रहा है, पंखा थोड़ा घर घुमा लो ना, हवा ही नहीं आ रही। ठीक है इतना सारा हो जाएगा, हवा आ ही नहीं रही थोड़ी थोड़ी। सर में तो भाई यहाँ से इन्होंने कला दी, यहाँ मेहंदी लगवा लो उधर उधर ही से तो आए थे। तो भाई हेड मसाज हो चुकी है, मैंने सोचा था ना हाँ इधर से हेड मसाज हो चुकी है, मैं जा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी लगवाने। और एक चीज़ और, मुझे पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही है, लस्सी पी लो, छाछ ठंडी छाछ, अब थक गए हैं पेट में, दर्द छाछ पीते हैं। कहाँ है नींबू पानी, है नींबू पानी, हाँ नींबू पानी दो। जहाँ नींबू सिकंजी बना रखा है वहाँ नींबू सिकंजी है नहीं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं बने हुए बॉक्स टाइप में ना, छोटे छोटे से घर से एकदम पूरा गांव की सीनरी, ये बग्गी, ये कुआं, ये गाड़ियां, और ये क्या है डांस का। हाँ ऑटो बैठे लो, पहले ट्रैक्टर बैठे ऑटो बैठे। Thank you.
और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करके देख ली हैं, जो गांव में गाड़ियाँ चलती हैं, बग्घी चलती है, सब चला चला कर देख लिया हमें। भले ही अपने जगह था लेकिन कोशिश तो मैंने सारी की चलाने में, कोई चली नहीं, सारी खराब बनी। जा रहे हैं ऊँट की सवारी करने के लिए, यहाँ से कूद के मरेंगे। इतना इतना अच्छा, उतने ऊँचे से बैठाएगा वो, ये रहा नीचे ऊँट और यहाँ बैठेंगे हम। आ गए ऊँट वाले भैया बैठाने के लिए। तो भाई यहाँ चल रही है हमारी ऊँट की सवारी, सवारी कर रहे भैया, भैया तो ऊँट की सवारी कर रहे हैं भाई, बच्चों को लाइव दिखाते हैं ऊँट की सवारी कर रहे हैं उनको। और यहाँ पे है वो चक्के से जो बनाते हैं ना बर्तन, वो चीज़ है चाक से बनाते बर्तन। अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक चाक हो गए स्टार्ट, मोटर चलाते थे इलेक्ट्रिक से चलाते थे, तो यहाँ पे मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कुछ बनाने की, कि बना ही लूँ। और आज जब मैं एडिटिंग कर रही थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ से आने के बाद शाम को मुझे कॉल्ड हो गया था और उसके वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आज वीडियो में भी आवाज़ मेरी अच्छी नहीं आएगी, आ रही है लेकिन चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे कर रहे हैं हम डांस, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह चल रहा था तो ये लड़कियाँ थी मेरे साथ डांस करनी थी, तो चलिए पूरा इंजॉय करें तब आइए। तो यहाँ पे टैग चल रहा था तो इसने मैं आवाज़ ऊपर से डाल रही है इसमें। अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, डांस वगैरह सब हो चुका है तो मैंने सोचा था कि मैं बाद में लगवाऊंगी मेहंदी, पहले नहीं लगवाऊंगी क्योंकि पहले लगवाती तो फिर घूम नहीं पाती, यहाँ पे मेहंदी लगी होती तो कुछ खेल भी गेम वगैरह भी नहीं खेल पाते। तो ये लगा रही है बढ़िया सी मेहंदी, मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी लेडीज़ों ने। ये मैंने इनसे पूछा कि तुमने सीखी हुई, कह रही नहीं हम खुद ही से लगाते हैं मेहंदी। तो यहाँ पे दो तीन लेडीज़ बैठा रखी है मेहंदी लगाने के लिए, ये लेडी से भी इसी गाँव की है। तो चलिए अभी मेहंदी मैंने लगवा ली है, मैंने सोचा कि लास्ट मूड पे ही लगवाती मेहंदी क्योंकि आसानी रहेगी मुझे घूमने फिरने के लिए, अच्छी लगी बहुत मेहंदी। और यहाँ पे एक चीज़ और थी, यहाँ पे कंचे भी खेले जा रहे थे वहाँ पे मेहंदी के सामने, कंचे खेलने की जगह बना रखी थी, मैंने भी खेले थे, मैंने बचपन में बहुत खेले सारे गेम। और यहाँ पे वो चल रहा है डांस, तो यहाँ पे हम थक गए थे तो थोड़ी देर, यहाँ पे पंखा भी चल रहा था तो यहाँ बैठ गए थे थोड़ी देर डांस देखने के लिए। और यहाँ पूरी छत पे इंडिया टांग रखी है गोल 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 गोल, तो पूरा टेंट की जो छत है बहुत ही सुंदर लग रही है। और भाई इन तीनों का डांस इतना कमाल था ना, मैं क्या बताऊँ, नजर नहीं लग रही थी इनके तीनों के डांसों से ना, बिल्कुल नजर नहीं हट रही थी। हम तो चारों तरफ पूरी कोर्ट डांस कर रहे हैं, हम इन्हीं का डांस देखते रहे, बिल्कुल ऐसे करते सीख के आए दोनों जने डांस तीनों ने, इन दोनों का तो था ही अच्छा, इन तीनों का बहुत अच्छा डांस था, बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे, नजर नहीं हट रही थी सच में, बहुत ही प्यारा डांस।
पावागढ़ हमने घूम लिया है, टाइम पूरी तरह बजे हैं 4 शाम के। तो भाई हम तो घूम लिए लोहागढ़ और बहुत ही मजा आया लोहागढ़ की। लोहागढ़ में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, हवा लगेगी तब निकलेगी हवा, और एक्टिविटी बहुत थी, बहुत अच्छा था। तो अगर आप भी आप सब आना चाहें तो बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट से बताइएगा, और अच्छी लगे तो शेयर करें, दूसरों से चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आप सबको मिलती रहेंगी सुंदर सुंदर। तो चलिए करते हैं इसके साथ वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। तब तो चलिए बाय बाय, राधे राधे।